आपका व्हीकल है, इसका बैलेंस होता है 50-50। सपोज आपका व्हीकल का भी 1000 kg है एंड इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50-50 है, यानी 500 किलो इधर है 500 किलो इधर है, तो क्या होता है समहाउ आपके आगे या पिछले पहिए का हवा निकल जाता है और आपका पीछे का पहिया सपोज फ्लैट हो जाता है। तो आपके टायर को जनरली राउंड होना चाहिए, पर हवा निकलने के बाद ये जो नीचे का कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो फ्लैट हो जाता है। तो अब फ्लैट हो गया, अब मेरा व्हील को होना चाहिए था ऐसा और हो गया ऐसा। तो इन दैट केस क्या होगा, आपका जो व्हीकल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। अब ये 50% नहीं रहेगा, ये 60% 40% हो जाएगा। अब 60% 40% हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका व्हीकल एक साइड ज़्यादा लोडेड हो गया और दूसरे साइड कम लोडेड हो गया, यानी मेरा फ्रंट व्हील पे जो लोडिंग है यानी इस पे जो वेट है, देखो एक वेट हमेशा एक्ट करता है, व्हीकल का सेल्फ वेट एक्ट करता है रोड टायर्स पे, और टायर्स और रोड के बीच एक ग्रिप होता है और वो ग्रिप बहुत ज़रूरी है, ट्रैक्शन जिसको बोलते हो, वो ग्रिप इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप कॉर्नर कर रहे हो चाहे आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो जो स्टेबिलिटी होती है व्हीकल की दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर टायर्स एंड रोड का कॉन्टैक्ट। तो सपोज क्या होता है बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती है या हैंडलिंग में दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि बारिश के टाइम में रोड और टायर्स के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो होता नहीं है प्रॉपर, वो पानी की वजह से। तो उसमें क्या होता है ग्रिप जनरेट नहीं कर पाता टायर एंड आपका पूरा व्हीकल हैंडलिंग में सफ़र करता है, एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो लाइक वाइज क्या होगा इस केस में, अगर आपका सपोज पीछे का व्हील फ्लैट हो गया यानी हवा निकल गया तो योर बैलेंस बोझ आपका बैलेंस खराब होगा। तो इन दैट केस 60% 40%। अब एज्यूम करते हैं केस मेरा क्या हो गया व्हीकल, ये ओरिजिनल केस है व्हीकल का, अब मेरा व्हीकल ऐसे है यानी इधर ज़्यादा लोड लग रहा है और इधर कम लोड लग रहा है। तो सबको जब आप एक्सेलरेशन दोगे, जब एक्सेलरेटर दोगे तो आपका व्हीकल टेंडेंसी होता है कि जब आप एक्सेलरेटर देते हो तो पीछे की तरफ झटका खाते हो। तो अगर मान लो कि ये ऑलरेडी इस तरह से है एंड देन आप एक्सेलरेट करोगे तो आप अगर ऐसे बैठे हुए हो तो आप और भी ज़्यादा पीछे की तरफ झुकोगे, यानी आपका जो ड्राइवर फटीक होगा पहला रीज़न। दूसरा आपका अगर फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और मोस्टली हर कार आजकल फ्रंट व्हील ड्राइव होता है तो उस केस में क्या होगा, अब इंजन से व्हील्स पे पावर जा रहा है और व्हील्स घूमेंगे तब प्रॉपरली और गाड़ी को तब अच्छे से प्रोपेल करेंगे जब रोड और पहिए के बीच अच्छे से संपर्क होगा, कॉन्टैक्ट होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये तो उठ गया, अगला पहिया तो हल्का उठा हुआ है, यानी यहाँ पे जो लोडिंग होना चाहिए था वर्टिकल लोडिंग जिसको बोलते हैं वो मेरा 500 किलो के जगह अब मेरा क्या हो गया 400 किलो, यानी यहाँ पे जो मेरा ग्रिप है वो रिड्यूस हो गया और पिछला व्हील क्या है, पिछले व्हील पे तो मेरा पावर जा ही रहा है। तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा गाड़ी का, यानी इंजन को ज़्यादा लोड लगेगा खींचने में गाड़ी को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा ब्रेकिंग के टाइम पे, ब्रेकिंग के टाइम पे हमेशा क्या होता है, जब आप ब्रेक लेते हो तो आपने क्या देखा है, आप आगे की तरफ झुकते हो यानी आपका वेट ट्रांसफर होता है। तो सपोज मैं ये सेंटर पॉइंट मानूंगी इसको, तो वेट कैसे जाएगा, पीछे से आगे की तरफ जाता है, आपका वेट ट्रांसफर हमेशा पीछे से आगे होगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपका वेट जो यहाँ का अभी 60% है और यहाँ पे 40% है, तो इस केस में क्या होगा, आपको झटका कम लगेगा लेकिन आपका जो फ्रंट व्हील का ग्रिप होगा रोड के साथ वो रिड्यूस होगा। तो आप कहीं अगर वेट सरफेस पे गाड़ी चला रहे होगे तो वहाँ पे स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर आप सडनली कॉर्नर करोगे या शार्प टर्न लोगे तो वहाँ पे जो आपके गाड़ी का ग्रिप होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, वो नहीं रहेगा, तो दैट इज़ डेंजरस। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, मल्टीपल चीज़ें इन सब चीज़ों को देखते हुए इंजीनियर्स ने सोचा कि चलो इसके लिए वार्निंग सिस्टम देना चाहिए व्हीकल में, ताकि जो ड्राइवर है उसको पता लग सके कि अच्छा भाई मेरे गाड़ी का हवा नहीं है प्रॉपर, तो मुझे इसको फिल करा लेना चाहिए क्योंकि डेंजरस हो सकता है इन एनी वे, ठीक है, ड्राइविंग के हिसाब से या जो भी है। अभी TBMS कैसे काम करता है, तो TBMS में होता है टायर में ही आपका जो पूरा व्हील असेंबली है ना उसमें एक छोटा सा सेंसर लगा होता है और वो सेंसर बहुत छोटा होता है, 2x2 सेंटीमीटर से भी छोटा। उसमें क्या होता है, आपका प्रेशर सेंसर लगा होता है
जो कि आपका डायरेक्टली एयर वेल्व से कनेक्टेड होता है, जो आपकी व्हीकल की एयर वेल्व है यहाँ पे वो उसी में कनेक्टेड होता है। अब ये कैसे कम्युनिकेट करता है व्हीकल के साथ, तो व्हीकल में कंट्रोल यूनिट होता है, इसको VCU बोलते हैं, MCU बोलते हैं, MCU मतलब मेन कंट्रोल यूनिट। ओके, तो उसमें भी ब्लूटूथ होता है, यानी क्या होता है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन कैसे होता है, ब्लूटूथ से होता है। तो ये ब्लूटूथ कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच होता है और BPMS अपना डेटा ट्रांसफर करता है व्हीकल कंट्रोल यूनिट को, और व्हीकल कंट्रोल यूनिट उस डेटा को प्रोसेस करके आपको डिस्प्ले करता है आपके डैशबोर्ड पे। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आप बोलोगे कि भाई मेरे को टायर में तो कहीं तार जाते हुए दिखते नहीं है, तो नहीं, ये बैटरी पे काम करता है, उसमें कॉइन सेल्स लगे होते हैं, बहुत छोटा सेल होता है जैसे आपकी घड़ी में लगे होते हैं, उन सेल्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक 5 साल 10 साल होती है, इसलिए मेंटेनेंस फ्री होते हैं, उनका लोड नहीं है। तो ये डायरेक्ट TPMS होते हैं, कुछ गाड़ियों में इनडायरेक्ट TPMS होते हैं। डायरेक्ट TPMS मतलब क्या होता है, वो एक प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, एक्चुअली इनमें कोई सेंसर नहीं लगा होता जैसे आपके डायरेक्ट TPMS में होता है, यानी वो सेंसर बेस्ड होते हैं, यानी उनका रीडिंग बहुत एक्यूरेट होता है और वही प्रेफर करना चाहिए। पर कुछ कंपनीज कॉस्ट सेविंग के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लगाते हैं। उस केस में क्या होगा, वो प्रिडिक्ट करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है उनका, कि अगर मेरा चारों पहिया हाउस में इक्वल है तो यानी चारों का जो रोटेशन स्पीड होगा, RPM होगा, वो सेम होगा, करेक्ट। लेकिन वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर किसी टायर का हवा कम हो जाता है, यानी वो फ्लैट हो जाता है, तो उसका रेडियस ओवरऑल क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी उसका RPM बढ़ जाएगा थोड़ा, करेक्ट। या अगर उसमें हवा बहुत कम है तो उसका RPM बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से वो प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो हवा कम हो गया, तो उस बेस पे वो सिग्नल देते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सिस्टम बहुत एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड भी नहीं है। बट हाँ, इसमें क्या है, आपको बैटरी का कोई झंझट नहीं है। सपोज डायरेक्ट TPMS में मैंने पहले बताया, उसमें क्या होगा, अगर आपका बैटरी डेड हो गया उसका, तो वो पूरा सेंसर बेकार हो जाता है, आपको नया रिप्लेस करना पड़ता है। तो दैट वे लाइक उसके प्रोज हैं कॉन्स भी हैं, पर डायरेक्ट TPMS इज प्रेफर्ड, क्योंकि वो एक्यूरेट रीडिंग देते हैं, उसमें आपको कोई भी चांसेस नहीं होते हैं कि उसमें आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आए। तो दिस इज हाउ योर TPMS वर्क्स। तो लाइक बेसिक यही बताया कि यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर है व्हीकल के अंदर, इन दोनों के बीच ब्लूटूथ कनेक्शन हो रहा है, सिमिलरली चारों पहिए में इसी तरह सेंसर है, और वो चारों सेंसर व्हीकल के कंट्रोल यूनिट से बात करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट।